आय है क्या सुहाना सुहाना मौसम हो रहा है भाई, आय है एक नंबर। कहाँ जा रहे हो अंकल? जाओ वहाँ कबूतर बैठे देखो, वो तो कबूतर बैठे, वो कबूतर बैठे, दो कबूतर गुस्सा है, नाराज़ हैं एक दूसरे से, वो लोग खैर जाने दो। ऐसे ऐसे मौसम में तो बाहर घूमने जाने का मजा ही बात ही अलग है, बट आज ऐसे ही मौसम बना रहे तो अच्छा है। दो दिन से ना पानी गिर रहा है बहुत ज्यादा, सुबह सुबह सब कुछ सही रहता है लेकिन जब दिन जैसे दिन होने लग जाता है, दिन होते होते बारिश होने लग जाती है, जब बारिश होती है ना तो बहुत सारे काम जो है वो फेल होने लग जाते हैं और काम खराब होने लग जाते हैं। ठीक चलो, बट मौसम तो अच्छा है तो स्वागत है, स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं हूं आपको जो सबको शिव मालवी, आप देख रहे हैं शिवम भोपाली, एंड चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। नहा के कितना अच्छा और कितना सुकून मिलता है। ये औरतें लोग कितनी बातें करती हैं यार, मतलब जहाँ दो औरतें मिल जाएं वहाँ इतनी बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं जैसे कि मतलब पूरे जमाने भर की बातें तो वो दो औरतों के बीच में हो रही होती है। बाल देख रहा, बाल एक नंबर। बाकी ये अपन का बचपन का रूप हैगा, कितना क्यूट लगता था ना बचपन में, मस्त। और बाकी अभी बिस्तर के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, मैं सो के उठा और सीधा नहाने की तरफ चला गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो अभी ध्यान नहीं दीजिएगा बिस्तर पर, ठीक है? अभी जमाऊंगा, बट अभी जरा बाल सुखा लिए जाएं। और बाल सुखाने के लिए मैं अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि है ड्रायर का इस्तेमाल ना करके मैं अपने कूलर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं मस्त कूलर चालू करता हूँ, उसके सामने बैठता हूँ, मेरे पूरे बाल 10 मिनट में सूख जाते हैं, सिंपल। अभी आपको भी दिखाता हूँ, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ड्रायर से ज्यादा अच्छे कूलर के सामने सूखते हैं बाल और डैमेज भी नहीं होते। इट्स अ काइंड ऑफ अ देसी जुगाड़ अपने बालों को सुखाने का, समझे, देसी। ये है हमारा मस्त देसी जुगाड़, इसमें हवा भी आती है, आया है सुहानी सुहानी सी हवा आ रही है, बस ऐसी हवा चलती है तो मन करता है यूं कर सो जाए, बट सोना नहीं है, सो गए तो खो गए। बाल सुखा लूं फिर बात करते हैं। बातें बहुत सारी हैं जो आप लोगों से करनी है, बट वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो कम वक्त में ज्यादा बातें, मतलब काम की बातें। कृष्ण को जन्मदिन है, दर्शन करिया तो जाना तो मेरे को भी है, पानी तो गिर रहा है ना भाई, भुर भुर तुमने मना किया मेरे को भुर भुर करने के लिए बाइक पे, ठीक है ना, मतलब गाड़ी मतलब भुर भुर करके चला जा, वो भुर भुर करने के नहीं कही। कौन आ गया मम्मी? इधर तो देखा, हंसी तो देखा इधर, अरे इधर हंसी तो देखा। जल कुकड़ी किसी से बात नहीं करने देती, जल कुकड़ी किसी से बात नहीं करने देती, दो मिनट में किसी से बात करूं तो अरे मत करो, फिर गंदा पोछा आएगा बेचारा, लगाना नहीं बोलते इसको, निचोड़ के देना बोलते हैं। देख के देख रही तुमको, लो लगवा लो, पूछो लगवा लो, लो लगवा लो बेटा, वो ले गई पोछा माँ, लो दे दो दे दो, हाँ दे दो दे दो, काम वाली भाई को दे दो, पोछा लगाएगी। ये बहुत सही था, ओ तेरी हो, ओ मेरे पीठ में चुभ गई है। टाटा रोडी, टाटा, अब लगवा लो अच्छे से पोछा, लो लगवा पोछा, लगवा लगवा लगवा, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, आज इनकी गोदी तोड़ ही दे तू, लग वो मुँह से समझ में आ जाएगा, क्यों और बिठाना है, और बिठाना है गोदी पे, बैठ जाओ छाती पे बैठ जाओ इनके, वाह ब्रोडी वाह, क्या बैठे हैं अपन। अब इतने से काम के लिए मैं रेनकोट पहन के जाऊं, गिरे गिरे ना, मैं मना कर रहा हूँ क्या? ब्रोडी तेरे पास से बदबू आ रही है, बदबू आ रही तेरे पास से, नहला दे तेरे को, अरे बोलना नहाना है क्या, नहाना है, मेरे मुंह को मत चाटना, ठीक है ना, समझ में आई, ब्रश व्रश करती नहीं है, उसकी नाक घुस गई उसकी बेचारी की, गंदे पानी के लिए उल्टे उल्टे काम कर रही है, हो गई ना। चलो पानी बंद होए तो फिर अपन मंदिर जाए।
अच्छा जल्दी आ जा। उस शाड़ी को पता है ना कि अगर इस कमरे में आ गई गलती से तो ये बंद कर देगा, तो आएगी थोड़ी वो। अच्छा जल्दी आ जल्दी आ जा आ जा। अरे यहाँ आते तो मैं चली गई। आ जा अंदर आ जा। मुझे पता है ना बहुत शाणी है ये, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है अगर लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो ये कमरे में बंद कर देगा मेरे को। अरे देख मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है कंटेंट बनाने के लिए, आजा चलिए आजा। यहीं रखे पेटीगिरी खा रही है लेकिन इस कमरे के अंदर नहीं आ रही शाणी। चलो छोड़ो ऐसे से करा दो, अपन तो चले। कितनी कीचड़ हो गई यार, इसको भी धुलवाना है। खाना रोटी, रात भर में मकड़ी जाले बना रही है यार मेरी गलकाड़ी में। लो गौ माता का आशीर्वाद। गेट खोलो दरबन। हाँ हंस लो। ये खड़ी भाई अपन लोगों की मस्त बेहतरीन सफारी, यहाँ पर खड़ी करते हैं। गैया मैया कहाँ है? गैया मैया को रोटी देने का है मुझे। ये गैया मैया, अल्लाह। ओ गैया मैया कम हियर, इधर आओ, ये लो आशीर्वाद दो। चलो चलते हैं बाय। तो भाई और बहनों स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए मोटो व्लॉग में। हूँ मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई शिवम भोपाली मोटो जॉकी। और यहाँ कितना पानी है देख रहे हो आप लोग, गड्ढा ही गड्ढा है रोड पे भाई। खैर प्लान में थोड़ा सा चेंज है देखो भाई लद्दाख के, ठीक है। एक तो मैं 5 से 10 के बीच में निकलने वाला था जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, बट अब प्लान में चेंज इस चीज का है कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में गाड़ी बंद हो गई। हाँ 7 तारीख, अरे स्टैंड, अच्छा मैं स्टैंड खुल गया था मेरा। हाँ तो भाई 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, जो आप लोग को पता होगा न्यूज़ देखते होंगे, तो दिल्ली में जो G20 समिट होने वाली है जिसकी वजह से पूरा दिल्ली जो है वो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में बंद कर दिया गया है। बट इस चक्कर में अब हम दिल्ली नहीं जा सकते, तो हमने थोड़ा पोस्टपोन किया, वरना 5 से 10 तारीख के बीच में निकलने का प्लान था। हमें दिल्ली ही होते हुए जाना पड़ेगा, और दिल्ली अगर बंद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। लेट होएगा तो सितंबर के मैं मिड या मतलब एंड तक ही लद्दाख पहुंच पाऊंगा, जिसकी वजह से वहां पर हो सकता है मैं भी शायद बर्फबारी शुरू हो जाए या फिर समझ रहा हूँ ठंडा माहौल बन जाए, तो उसके लिए भी मुझे पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अब मैं सोलो जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये जो लद्दाख ट्रिप रहेगा ये हमारा लद्दाख ट्रिप रहेगा सोलो लद्दाख ट्रिप, क्योंकि हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अल्ताफ की अम्मी मान नहीं रही हैं, और जो लोग जाने को तैयार हैं तो वो लोग जॉब से मजबूर हैं। चंदन जी जॉब से मजबूर है, सागर जॉब से मजबूर है, गणेश भी जॉब से मजबूर है, एक और दोस्त था फरहान, तो वो भाई साहब उसका निकाह हो गया, तो जिसकी वजह से अब वो निकाह के चक्कर में मजबूर है। तो किस्मत ऐसी है कोई भी साथ में जाने को नहीं हो रहा है मेरे साथ लद्दाख, तो अब मुझे जो लद्दाख है वो अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे अंकल देख लो, देखो अगर आप लोग ये मिनाल के ये गेट नंबर 3 से इंटर होते हो ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी मिनाल गेट नंबर 3 पे इंटर होना तो साइड में चलने का, इधर इधर वाला जो रोड है ना ये बहुत अच्छा रोड है। अरे माँ की यार रोड अच्छा है लेकिन पानी कहाँ से उड़ गया। ये देखो ये जो रोड है ना ये अच्छा रोड है। अरे अच्छा अच्छा यार तुम सामने क्यों आ गए तुम यार। और ये बगल वाला जो रोड है ना ये बहुत खुरदुरा रोड है, जब आप इधर से जाओगे ना तो धार धार बस ऐसे गाड़ी उठती चकती रहती है, तो इसलिए साइड वाले से चलो, साइड वाला बहुत अच्छा है। हाँ तो लद्दाख ट्रिप हम जाने वाले हैं सोलो, और जिसको लेके मम्मी पापा जो हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ठीक है, कि अकेला जाएगा इतना लंबा सफर है तो, बट अब उनको पता है कि जाएगा तो जाएगा यार। देखो माँ बाप हैं वो लोग, तो माँ बाप की चिंता तो माँ बाप ही समझ सकते हैं। अपन तो चलो ये सोच रहे हैं कि अपन जाएंगे हम फेस करेंगे ये और वो, लेकिन रियलिटी इज दैट कि 5000 किलोमीटर सफर करना है, और वो भी अकेले अलग अलग सिटीज से होते हुए। फट के हाथ में आ रही है मेरी, मुंह में हालात में आ रहे हैं, ऐसा मतलब अंदर से हो रहा है लेकिन बाहर से आई एम काम डाउन, समझ रहे हो ऐसा। बट कोई ना, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बस कोई साथ नहीं होगा ये चीज का दिक्कत होगा, बट बाकी ऊपर वाले का साथ होगा ना शिव शंभू जी का। मुरी क्या खोद दिया, रोड खोद दिया। बाय द वे ये व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो हो सकता है 2 पार्ट में आए, ठीक है ना, तो बी रेडी, या तो फिर मैं एक ही पार्ट में निकालूंगा तो थोड़ा बड़ा निकालूंगा मैं। आज हो गई है अपनी 7 तारीख, ठीक है, 10 तारीख यानी कि 3 दिन है, 3 दिन में मुझे बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है, गाड़ी भी सर्विसिंग के लिए देनी है, दूसरा मैकेनिक के पास जाके गाड़ी का काम भी सीखना है, क्लच वायर डालना, एक्सेलेटर वायर डालना, पंचर बनाना, ये सब भी मुझे सीखना है। यहाँ पे पता नहीं क्या खोद के रख दिया, लेकिन रोड खोदना इज ईजी, वापस बनाते नहीं है, कीचड़ हो जाती है पूरी, देख रहा यहाँ लोगों को सबर नहीं होता। निकल जाओ भाई, बट अगर ये रोड पता है ये गड्ढे ना होना, कसम खुदा की इन गाड़ियों की उम्र बढ़ जाए पता। चलो पहुँच ही गए अब तो, और क्या, मंदिर के बाहर भी सेल्फी, जय बजरंग बली। आ गए अपनी दुकान होम ऑफ आर्ट टैटू प्लानेट मेरी जान। ये बारिश का पानी, हाँ बापू क्या हाल चाल, मैंने मार वाला तो बैंड बजा दूंगा साल। अरे अब क्या ही बताऊँ, परेशानी तो बहुत है, एक तो तुम्हारी अम्मी नहीं मान रही,
क्या लद्दाख का वीडियो देख रहा था? ये अपना पार्सल, एक दो तीन पार्सल। अरे यार अब लद्दाख ट्रिप है तो भाई साहब खर्चा तो हो रहा है। ये लद्दाख ट्रिप जब से प्लान किया है ना तब से शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है यार। कुछ ना कुछ आता ही रहता। अभी भी सोचो आज भी शॉपिंग बची है, कितनी शॉपिंग होगी पता नहीं। जय शिव शंभू, क्या हाल चाल है सेक्सी? इस हरी टी शर्ट में तो तू कतई सेक्सी लग रहा है यार। क्या हाल चाल भगवान जी? अरे दे दे। ओ भाई क्या हाल चाल भगवान जी, मस्त मजे में? चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सो ये है हमारा छोटा पार्सल। और ये क्या है वो देख लिया जाए, पहले तो बिल साइड में रखा जाए। और दूसरा तो पहली चीज जो हमारे पार्सल में है वो है हमारा ये जो MI का 10,000 mAh का पावर बैंक। क्योंकि भाई पावर बैंक तो लगेगा ना, ऑब्वियस ही बात है, बिना पावर बैंक के आप कैसे जाओगे भाई साहब? पावर बैंक इज मस्ट, क्योंकि मुझे GoPro की बैटरी भी चार्ज करनी होती है। ऑल्दो मेरे बाइक में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है बट तब भी एक एक्स्ट्रा में पावर बैंक होना जरूरी है। एक पावर बैंक मुझे नवीन भाई ने दे दिया था, उनके पास था 10,000 mAh का, वो भी MI का था। पहले भी मैं MI का यूज कर चुका हूँ तो इस बार मैंने मंगाया है MI का पावर बैंक। और ये है ब्लू कलर का। दूसरा बॉक्स जो है हमारी लिस्ट में, अब देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। अरे खुल जा चिमचिम। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, ये है Amazon Basics का बंजी स्ट्रैप पैक ऑफ 6 और साथ में है ये। अब ये क्या है मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। मेरे को लगा था ये बहुत बड़ी आएंगी बट ये तो बहुत छोटी है। बट ठीक है, एक साइड से अगर मैं अपनी बाइक में एक साइड से खींच के दूसरे साइड लगाता हूँ तो हो जाएगा, बट बहुत जान लग रही है खींचने में, इससे ज्यादा नहीं खिंचा रहा मेरा हाथ को पर है भाई। अब जैसे कि मैं अकेला जा रहा हूँ तो मेरे पास लगेज जो है अब रखने की जगह जाता है, तो मैं अपना जो मेरा ट्रैकिंग बैग है मैं वो भी लेके जाऊंगा। तो वो ट्रैकिंग बैग को साथ ही साथ मैं अपना ट्राइपॉड लेके जाऊँ, क्योंकि अब कोई मेरे साथ में नहीं जा रहा है तो मुझे रील और वीडियो अपने खुद की बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं ट्राइपॉड रख के लेके जाऊंगा। तो ये सब चीजें पीछे बांध के लेके जाने के लिए चाहिए पड़ती है। बट क्वालिटी वाइज देखी जाए तो भाई मतलब Amazon का सामान है लेकिन अच्छा है भाई। मुझे लगा था इससे बड़ी आएंगी बट छोटी है तो क्या कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे बड़े और अगले प्रोडक्ट की तरफ। इसके अंदर हमारे पास दो पार्सल हैं, ठीक है? तो मैं पहले छोटे वाले से स्टार्ट करता हूँ। छोटा वाला क्या है, तो जैसा कि आपको पता है मेरे पास एक टैंक बैग है, टैंक बैग Rhinox का है। Rhinox का मेरे पास एक ऑलरेडी वाटर कवर है जो उसका है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। मैं उसको करीबन नहीं मानो तो 4 साल से 5 साल से मैं उसको अपने टैंक बैग को यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसका रेन कवर जो है वो थोड़ा सा हो गया है भाई, ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि बहुत सहा है ना उसमें। इसलिए मैंने एक Amazon Basics की तरफ से, जो भी Amazon का ये Solimo की तरफ से मैंने मंगाया है एक एक्स्ट्रा बैग रेन कवर, जो कि है 30 लीटर का बैग के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से अपने सामने, ये ऐसा क्या है, मोस्टली जो अपना टैंक बैग होता है उसमें अपने कैमरा एसेसरीज होती हैं, ठीक है? साथ ही साथ कैमरा एसेसरीज के साथ साथ उसमें अपने गियर्स भी होते हैं, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, लाइक उसमें अपना पावर बैंक, बहुत सारी चीजें रखने का होता है। तो वाटर प्रूफिंग होना इज वेरी मस्ट। और जो इसकी क्वालिटी मुझे लग रही है भाई, एक नंबर, मतलब पैसा वसूल चीज है भाई। अगला है हमारा ये क्या है, ये तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये है हमारा फिलिप्स का हेयर ड्रायर। बड़ी हेयर ड्रायर, बहुत अजीब हो रही है, इतना छोटा सा इसमें दे दिया इन लोगों ने। अबे ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। अबे इसको देखो तो भाई, कितना छोटा सा हेयर ड्रायर है, इतना छोटा है हेयर ड्रायर, कसम खुदा की। और मुझे चाहिए भी ऐसा ही था क्या जो इतना छोटा हो, क्योंकि क्या है मेरे पास घर पे जो है वो इतना बड़ा हेयर ड्रायर है जो सलून में यूज होता है ब्लैक कलर का, बट उसको कैरी करना मेरे लिए थोड़ा सा लाइक मुश्किल है। तो इसके वजह से मैंने ये वाला जो फिलिप्स का हेयर ड्रायर है ये मंगाया है। इसको चेक करके और देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई। और ये एक इसका फुंतरू भी इसके साथ में आया है ऐसे लगाने के लिए, लग जा। बट ये बहुत छोटा है यार, पता नहीं कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, बट लद्दाख में मेरा साथ हो जाए, क्योंकि बाल देख रहे हो आप, बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं। अब अगर अपन नहाएंगे तो इन बालों को नॉर्मली टॉवल से सुखा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे हेयर ड्रायर की जरूरत पड़ती ही है। तो बाल सुखाने तो पड़ेंगे ना मेरा भाई। अबे इसमें क्या, बस ये गर्म ही करता है, ठंडी हवा नहीं फेंकता क्या ये? पर ये इतना छोटा है ये मेरे बाल भी नहीं उड़ा पा रहा है यार। अब दूसरी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था परमिट की, आपको परमिट दिखाता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ है दिख रहा है ऑफिस ऑफ द CEO
एल लद्दाख ले, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट दिख रही है आपको 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का मैंने परमिट लिया हुआ है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं लद्दाख कब पहुंचूंगा कब नहीं पहुंचूंगा, और ले पहुंचूंगा तो कब पहुंचूंगा, तो फिर वहां जाके नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां जाके परमिट अप्लाई करूंगा। इससे मैंने सोचा बेटर यहीं से ही अपन परमिट अप्लाई करके लेके चलो, और सो दैट की बेटर आप मतलब आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जाते प्रिंट आउट लेके आपको जाना पड़ता है। तो ये परमिट्स हैं, साथ ही साथ इसमें जगह रहती है, जैसे कि ये 13 जगह के नाम है भाई साहब, वो आपके ऊपर रहता है कि आपको कौन कौन सी जगह जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये 13 जगह हैं जिसमें से देखो आप लोग खालसी या ओपसी और ये एक पेंगोंग लेक, जैसे ये दिख रहा है पेंगोंग लेक जाना है। ओनली ले सिटी घूमने के लिए भी आपको भाई साहब परमिट की जरूरत पड़ती है। ऐसे करते 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 ये 13 जगह है, मैंने सबका पास ले लिया। मैंने कहा कौन ये सोचेगा कि कहता हूँ कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, बाद में मेरा मूड बन गया कहीं जाने का तो फिर दिक्कत है, इसलिए 13 जगह है। अब 13 जगह में यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से और भी जगह है जो रास्ते में पड़ती है, इस रूट पे ये पड़ता होगा, इस रूट पे ये पड़ता होगा, इस रूट पे ऐसे 13 जगह है जिसका मैंने परमिट लिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इट इज मैंडेटरी टू शो यूर लेह अराइवल बोर्डिंग पास अलॉन्ग विद परमिट। अब ये बोर्डिंग पास क्या है, बोर्डिंग पास बेसिकली अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको बोर्डिंग पास मिलता है लेह उतरने का, तो आपको वो बोर्डिंग पास लेके जाना है। बट मैं फ्लाइट से नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाकी आपको परमिट्स की जरूरत पड़ेगी, परमिट्स कहाँ कहाँ लगता है आप देख लो। पहला आपको लगेगा यहाँ पर चोगलमार निम्मू में लगेगा, छूछोट में लगेगा, छूछोट कैसा नाम है भाई, खालसे नूबरा पेंगोंग और खारू, ये 7 जगह पे आपको ये पासेस दिखाना कंपलसरी है। बाकी मैं आपको फीसेस दिखा देता हूँ। तो एनवायरमेंटल फीस लगी है 400 रुपए, वाइल्ड लाइफ फीस लगी है 420 रुपए, टोटल मेरा जो खर्चा आया है वो आया है 820 रुपए का। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब, आपको लेह पहुंचने से 48 घंटे, एटलीस्ट 48 घंटे के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ता है बिफोर एंटरिंग भाई साहब जर्नी टू द हाई एल्टीट्यूड एरिया, समझ गए। यानी कि 48 घंटे, यानी कि 24 और 24 कितने होते हैं 48, यानी कि आपको लेह पहुंच के कम 2 दिन तो आपको लेह में रुक के आराम ही करना है उससे पहले कि आप कहीं और जाओ। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि सिर्फ लेह में रुक गए और चले गए, बट ऐसा नहीं करना है भाई साहब, 2 दिन कम से कम एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा। और एक्लिमेटाइज होने के लिए एक टेबलेट आती है जिसका नाम है डायमोक्स टेबलेट, जो कि आपको 2 दिन डायमोक्स टेबलेट लेके सिर्फ अपने होटल में आराम करना है, सोना है और कुछ नहीं करना है, जो हम भी करेंगे वो ताकि पता चल जाएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, डेंजर साइंस है क्या, आपको हेडेक हो सकता है, आपको नोजिया हो सकता है, आपको कफिंग हो सकती है यानी कि सर्दी खांसी हो सकती है, देखे ना ये, बट डरना नहीं है इससे अपन को। और प्रिकॉशंस लेना है कि अपन को टू कंप्लीट रेस्ट लेना है अपन को 24 से 36 घंटे, पानी कम से कम अपने साथ में अच्छा खासा कैरी करना है अपन को। तो ये पासेस तो अपन चाहे तो वहां जाके डीसी ऑफिस से भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा कि आपको पहले डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर मैनुअली फॉर्म भरने पड़ेंगे, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, पैसे देना, ये करना, वो करना। तो इट्स बेटर अगर आपको वो सब चीजों से बचना है तो आप ऑनलाइन परमिट अप्लाई कर दें, जैसे कि मैंने किया और वो अप्लाई हो गया। अब इसमें फीस का देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऐसा रहता है जगहों के हिसाब से रहता है कि आप कितनी जगह सिलेक्ट कर रहे हो घूमने के लिए। दूसरी चीज, मेरी लगी फीस 820 रुपए 20 दिन के लिए, ठीक है ना, जो वेरी भी करती रहती है। आप जितने डेज की फीस, मतलब आप जितना डेज चूज करोगे, आप 4 दिन चूज करोगे तो 4 दिन की फीस लगेगी, मैंने 20 दिन चूज किया इसलिए मेरी 820 रुपए फीस लगी। अदरवाइज आप जितना दिन चूज करोगे उतने के हिसाब से आपकी फीस जो है वो भाई साहब यहाँ से वहां होती रहेगी, सिंपल, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आई होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नजर किसी व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किसी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। रुक जाओ, एक बात और, कल का व्लॉग भी देखना ना भूलना, क्योंकि कल के व्लॉग में ही बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इंटरेस्टिंग, समझ गए। चलो बाय।